नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप CESC का ई बिल के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ई बिल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिल, ठीक है दोस्तों। देखिए, CESC का ई बिल का अगर लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको हर महीने 5 रुपया का एक्स्ट्रा रिबेट मिलेगा। जी हाँ, आपको जो ऑलरेडी CESC के बिल में रिबेट मिलता है वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ अगर आप ई बिल के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको हर महीने 5 रुपया का एक्स्ट्रा यानी कि एडिशनल रिबेट मिलेगा। ये चीज़ जान लें, ठीक है। तो ई बिल के लिए कैसे रजिस्टर करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले CESC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। तो मैं इस समय CESC का ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, जिनका एड्रेस है www.cesc.co.in। तो देखिए, इनके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद इनका होम पेज कुछ इस तरह का है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इनके इस होम पेज पर आने के बाद देखिएगा, राइट साइड में क्विक लिंक्स दी हुई है, एक लिखा हुआ है एक हेडिंग क्विक लिंक्स, आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, क्विक लिंक्स। उसके अंदर में मेनूज़ है, काफ़ी सारे मेनूज़ हैं, तो आपको जो काम करना है वो मेनू आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो हमें ई बिल के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो देखिए ई बिल का एक मेनू है यहाँ पर, ई बिल रजिस्ट्रेशन एक मेनू है, तो हमें इस पर सिंपली क्लिक करना है तो हम एक दूसरे पेज पर चले जाएँगे। तो चलिए, ई बिल वाले ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ई बिल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को मैंने क्लिक किया, करने के बाद देखिए हम एक दूसरे पेज पे आ गए। अब इस पेज पे क्या बोला जा रहा है देखिए, पढ़ ले पहले डिटेल्स। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ई बिल रजिस्ट्रेशन / डी रजिस्ट्रेशन फॉर LT कंज्यूमर, यानी कि ई बिल के लिए आप यहाँ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, या ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं आप डी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो भी यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ फॉर LT कंज्यूमर्स, LT कंज्यूमर्स का मतलब होता है लो टेंशन कंज्यूमर, ठीक है, यानी कि लो टेंशन कंज्यूमर्स के लिए ही है कि आप ई बिल के लिए रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं या डी रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं आप यहीं पर। चलिए, हम लोग रजिस्टर्ड करने के लिए आप प्रोसेस बता रहे हैं आपको मैं, तो अब रजिस्टर्ड कैसे करना है वो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, उसके नीचे लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर योर 11-डिजिट कस्टमर ID, यानी कि बोला जा रहा है कि आप अपना 11-डिजिट का कस्टमर ID जो है सो एंटर करें। ये नीचे में लिखा हुआ है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो कस्टमर ID, प्लीज़ एंटर योर 11-डिजिट कस्टमर ID, तो कस्टमर ID आपको इस बॉक्स के अंदर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर एंटर ऑप्शन है, उसको क्लिक कर देना है। तो चलिए, मैं अपना कस्टमर ID सबसे पहले एंटर करता हूँ। तो कस्टमर ID एंटर करने के बाद फिर आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। तो कस्टमर ID एंटर करें, 11-डिजिट का, तो मैं एंटर कर रहा हूँ। याद रखें दोस्तों, कस्टमर ID डालिएगा, कंज्यूमर नंबर मत डाल दीजिएगा। देखिए, कंज्यूमर नंबर अलग होता है, कस्टमर ID अलग होता है, ठीक है। मैंने डाल दिया, अब यहाँ पर एंटर वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। तो एंटर वाले ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ, एंटर। अब देखिए, एंटर पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो फिर एक दूसरे पेज पे आ गया। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नेम एंड एड्रेस पूरा दिया हुआ है, नेम एंड एड्रेस आपका दिया रहेगा। उसके नीचे देखिए, यहाँ पर ईमेल ID दिया हुआ है और यहाँ मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जब इस पेज पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपना ईमेल ID फिल करना है। जैसे यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ ईमेल, ठीक है, तो आपको इस बॉक्स में सबसे पहले अपना ईमेल ID देना है और यहाँ लिखा हुआ देखिए मोबाइल नंबर, तो आपको इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर देना है। तो देखिए, मैं ऑलरेडी CESC में अपना ईमेल ID और मोबाइल नंबर मैंने रजिस्टर करके रखा है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ईमेल ID और मोबाइल नंबर दिख रहा है, लेकिन आप लोगों का नहीं दिखेगा। आप अगर ऑलरेडी अगर अपना ईमेल ID और मोबाइल नंबर अगर आपने CESC में रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो नहीं दिखेगा। तो जो भी हो, दिख रहा है मेरा, तो आप लोग
नहीं दिखेगा, क्योंकि आप लोग अगर पहले से रजिस्टर नहीं होंगे तो आपका मतलब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सीएससी की रिकॉर्ड में अगर रजिस्टर नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ अपना ईमेल आईडी डाल देना है और यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड ऑप्शन है, देखिए रजिस्टर्ड, इस रजिस्टर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए रजिस्टर्ड ऑप्शन पर पहले मैं क्लिक करता हूँ, फिर आगे की प्रोसेस में बताता हूँ। तो रजिस्टर्ड ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, तो मैंने रजिस्टर्ड ऑप्शन पर क्लिक किया। अब देखिए जैसे ही मैंने रजिस्टर्ड ऑप्शन पर क्लिक किया, अब नीचे मैसेज आ गया। देखिए मैसेज को पूरा पढ़ लेते हैं। योर ई बिल रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड, यानी कि बोला जा रहा है कि आपका ई बिल का रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन है मैंने एक्सेप्ट कर दिया। सीएससी की तरफ से बोला जा रहा है कि आपका ई बिल का रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। योर ई बिल रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड, ए वेरिफिकेशन मेल विल बी सेंड टू योर अबव ईमेल आईडी, यानी कि एक वेरिफिकेशन मेल आपको भेजा जाएगा। उसके बाद लिख रहा है द फॉलो द इंस्ट्रक्शन मेंशन इन द वेरिफिकेशन मेल, उसके बाद बोला जा रहा है कि आपके मेल में जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको फॉलो करेंगे तो आपको ये ई बिल के लिए आप रजिस्टर हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले आपका यहाँ बोला जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड कर लिया गया है और आपके मेल में एक वेरिफिकेशन मेल भेजा गया है। तो वहाँ पर क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपके जो मेल भेजा गया उसमें, तो उस इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करेंगे तो आप जो है ये ई बिल के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, ई बिल के लिए आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो चलिए मेल क्या भेजा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो अब आगे चलते हैं। तो देखिए मेल आ गया है, वेरिफिकेशन मेल। तो इस तरह का मेल भी आपके ईमेल पे भेजा जाएगा। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है वेरिफिकेशन मेल फॉर सीईएससी ई बिल रजिस्ट्रेशन अगेंस्ट कस्टमर आईडी, ठीक है, ये क्लियर लिखा हुआ है। और इस वेरिफिकेशन मेल में करना क्या है आपको मैं बताता हूँ। इसमें देखिए लिखा हुआ है, सबसे नीचे जाइएगा, प्लीज़ क्लिक द लिंक बिलो। देखिए मैं इसको थोड़ा टिक करता हूँ ताकि समझ में आए। प्लीज़ क्लिक द लिंक बिलो टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी कि ये नीचे बोला जा रहा है, लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है ये ई बिल के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे। देखिए लिंक ब्लू कलर से दिया हुआ है, लिखा हुआ है वेरिफिकेशन लिंक, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ, वेरिफिकेशन लिंक पे मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ बोला जा रहा है कन्फर्म या अनरजिस्टर्ड, दो ऑप्शन दिया गया है, तो आप कंफर्म करें। कंफर्म पर जैसे क्लिक करेंगे आपको मैसेज आएगा या मैसेज आपके सामने शो करेगा कि आप ई बिल के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर क्लिक कर दें, उसके बगल में देखिए अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ है, अनरजिस्टर्ड पर अगर गलती से भी क्लिक कर देते हैं तो आप रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों इस पर आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करिएगा तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाइएगा। तो चलिए मैं कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ और ई बिल के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। तो मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया। अब देखिए कन्फर्म पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, लिख दिया योर ईमेल आईडी फॉर ई बिल रजिस्ट्रेशन वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है, अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। लिख रहा है योर ईमेल आईडी फॉर ई बिल रजिस्ट्रेशन वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी कि आपका ईमेल आईडी वेरीफाइड कर लिया गया है, ठीक है, ई बिल के लिए। उसके बाद लिखा गया है हेंस फॉर्थ हार्ड कॉपी ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल विल नॉट बी डिलीवर्ड, यानी कि हार्ड कॉपी अब आपको नहीं भेजा जाएगा। थ्रू कुरियर योर इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी सेंड टू योर अबव रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ओनली, यानी कि बोला जा रहा है कि जो हार्ड कॉपी जो कुरियर के द्वारा आपके एड्रेस पर डिलीवर्ड किया जाता था वो नहीं भेजा जाएगा, बल्कि आपके ऊपर दिए गए ईमेल पे आपको जो है सो ई बिल यानी कि जो सॉफ्ट कॉपी होता है वो भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप रजिस्टर्ड हो गए, बस इतना ही प्रोसेस है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, आप रजिस्टर्ड हो गए। उसके बाद हर महीने आपके जो आपने जो ईमेल आईडी दिया है उसमें हर महीने ई बिल आपको आता रहेगा और हर महीने का जो बिल आएगा उसमें 5 रुपये का एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट आपको यानी कि रिबेट मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो
आपको अच्छा लगा और लगा कि ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल है तो आप अपने जान पहचान वाले अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो भी ये सुविधा का लाभ उठा पाएँ। ये रिबेट एक्स्ट्रा जो 5 रुपये का रिबेट हर महीना मिलेगा इसका लाभ उठा पाए, और साथ ही साथ ये जो इनिशिएटिव चल रहा है सेव द ट्रीज़, उस इनिशिएटिव में भी सहभागी बने। अगर आप ई फिज़िकल कॉपी नहीं लेते हैं तो पेपर का वेस्टेज नहीं होगा। और आप लोग जैसे जानते हैं कि इनिशिएटिव चल रहा है सेव ट्रीज़ के नाम से, इसका मतलब है कि पेपर्स को बचाइए। पेपर्स जितना ज़्यादा हम लोग मिस यूज़ करते हैं, पेपर्स को बनाने के लिए ट्रीज़ को यानी कि वृक्षों को काटा जाता है, वृक्षों को नष्ट करके ही पेपर बनाया जाता है, ठीक है, वृक्ष को काट के ही उससे पेपर बनता है। तो इसलिए इनिशिएटिव में भी पार्टिसिपेट हो जाएंगे आप एक सहभागी बनेंगे, और साथ ही साथ आपको रिबेट जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। उसके बाद अगर इन फ्यूचर अभी कभी आप डी रजिस्टर्ड करना चाहें तो मैंने देखिएगा प्रोसेस के बीच में ही बताया कि वहाँ पर डी रजिस्टर्ड ऑप्शन भी है। आप डी रजिस्टर्ड करना चाहें तो जब चाहें आप डी रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं ईमेल के लिए, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और एक चीज़ और बोल दूँ, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।